Good morning, Mr. Kavir. Thank you so much for coming to us here in Hyderabad. And congratulations on winning this award for the Indian Reading Olympiad. Thank you. So, हमारा first question ये है कि आपको ये idea कहाँ से आया कि teaching में QR codes use करने को? इसके पीछे है क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत interesting story है. मैं और मेरा एक best friend जो हम childhood में थे, तो हम दोनों एक साथ दसवीं कक्षा में पढ़े और हम अभी प्रेजेंट स्कूल में दोनों एक साथ पढ़ा रहे बच्चों को. तो वो मैथ्स का अच्छा बहुत अच्छा टीचर है और मेरे को थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो हम दोनों ने सोचते इसका कुछ मिला करके हम क्या करेंगे कुछ. तो हमने क्या किया, सोचा कि बहुत से स्टूडेंट में मैथ्स का थोड़ा फोबिया रहता है मैथ्स का, तो हम इस पर काम करना स्टार्ट करें. तो हम क्या करते थे, छोटे छोटे मैथ्स के वीडियो बनाते थे और हमारे स्कूल का भी कंप्यूटर है उसमें डाल के खाली टाइम में वो बच्चों को दिखा देते. तो जब भी हमारे फ्री पीरियड रहता था तो बच्चे क्या करते थे, स्कूल का कंप्यूटर स्टार्ट करते थे, वो वीडियो देखते थे. और उनको ये मजा आता था कि हमारे टीचर सामने पढ़ा रहे. तो ये थोड़ा 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 इस पर हमने काम करना शुरू किया. तो एक दिन हमारे स्कूल में हमारे तालुका के ब्लॉक एजुकेशन जो थे ऑफिसर थे, वो विजिट किया है. तो विजिट के लिए तो ऑलरेडी क्या कर रहे थे कि हम थोड़ा ऑफिस में काम कर रहे थे, तो वो सीधा क्लास में चले गए ऑफिसर. हाँ. और उन्होंने देखा कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उनको उन्होंने देखा तो उनका ही टीचर पढ़ा था. हाँ. तो जब ऑफिस में आए तो उन्होंने हमको बुलाया, बोला कि क्या किया था? तो हमने क्या छोटे 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 ऐसे वीडियो बनाए हैं और रखे, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो बच्चे उधर जाके देखते. तो वो बहुत अच्छा, मैंने दो तीन वीडियो देखे हैं और बच्चे वो खुद ही चालू करते थे. यदि फ्री टाइम मिलता तो वो कंप्यूटर ऑन करने का, स्क्रीन ऑन करने का वो देखते रहते थे. और एक बात थी कि बहुत से दूसरे क्लास में भी बच्चे उधर आकर बैठते थे. तो ये इतने अच्छे यूनिटिव वीडियो आपने बनाए, ये सबको कैसे मिले इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कीजिए. खाली तुम्हारे स्कूल में ये मत कहो, ये आदत और स्कूल को भी कैसे पहुँचते हैं वो देख. तो इसके बारे में हमने थोड़ा सर्च करना शुरू किया क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के या हमारे फ्रेंड थे उनको पूछा. तो सबके दिमाग में आइडिया कि हम क्या करेंगे, एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे. तो यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे भी मकसद यही था कि अगर ये हमें दो तरीके से जा सकते थे, एक तो खुद की वेबसाइट बनाना, एक यूट्यूब चैनल पे जाना. वेबसाइट बनाना तो बहुत मुश्किल काम है और उसका मेंटेनेंस हमसे नहीं हो पाएगा और इतनी मैन पावर उधर लोकल एरिया में नहीं थी. तो हमने सोचा कि यूट्यूब बेस्ट पड़ेगा और जो 15 मिनट का हमें जो यूट्यूब फ्री दे रहा है, स्पैन दे रहा है, उसका हम यूज कर सकते. जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो वो बढ़ जाएगा. लेकिन हमारा जो क्लास में जो स्टूडेंट है वो 12 साल के, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम 6 मिनट का, 7 मिनट का बना सकते उनके हिसाब से. अगर हमने 30 मिनट 40 मिनट वीडियो बनाए तो देख भी नहीं सकेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे फायदा भी नहीं. और उनकी ही भाषा में उनके ही टीचर उनको पढ़ाए, ये सोचकर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया. उस पर हम यूट्यूब चैनल पे गए, यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब के जरिए हम ये अगले तक जो बच्चों तक पहुँचे. बिल्कुल बढ़िया. तो आप जैसे कह रहे थे कि बहुत स्टूडेंट्स को ये मैथ्स का फोबिया है, आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी और ये वीडियो ये फोबिया को कैसे हटाती है? दुनिया की कोई भी क्लास ले लो, 3 तरह के बच्चे रहते हैं. कोई बच्चे एक्स्ट्रा रहते हैं, कोई मीडियम लेवल के रहते हैं और कोई लो लेवल के, लो लर्नर रहते हैं. तो लो लर्नर रहते हैं उनको ज्यादा बार पढ़ाना पड़ता है. लेकिन हमारे जो स्कूल का जो टाइम टेबल है, वर्क कल्चर है, उसमें एक टीचर एक बार पूरा टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ाता है, बाद में उसका रिविजन भी कर सकता है. लेकिन जो लो लर्नर है उनको जो बार बार पढ़ाने की जरूरत होती है. अगर हम कहें तो अब तो यूट्यूब पर सब वीडियो भरे, लेकिन उनका ही टीचर उनको ही वही लेसन बार बार पढ़ा, ये पॉसिबल यूट्यूब चैनल पर होता है या टेक्नोलॉजी में हो रहा है. तो हमने क्या किया, हमारा जो 6th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का जो टेक्स्ट बुक है उसके लेसन में सब वीडियो भरे और उसके लेसन वाइज वीडियो बना के वो पार्ट पार्ट में बनाए. अगर एक लेसन है तो उसके 4-5 वीडियो बनाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना पड़े. छोटे छोटे वीडियो अगर वो देखने को भी उसका असर, क्योंकि कभी भी उसको टाइम मिले तो 6 मिनट में 7 मिनट में वो लेसन पढ़ सके. तो ये फोबिया जाने का इसका पीछे कारण क्या हुआ कि उनके टीचर उनको बार बार और कभी भी 40 आवर्स ये अवेलेबल हो गए. अगर किसी स्टूडेंट को वो मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो बार बार देख के समझ सकता था और उसका सबसे पहला उनका टीचर और उनकी भाषा में,
ना कि कोई अंग्रेजी है हिंदी है, उनकी ही भाषा में उनके टीचर उनके सराउंड के अंदर किया गया। और ये लाइव क्लासेस है सर, लाइव क्लासेस होने के कारण वो भी उसमें शामिल है, तो उसको भी पता है कि मैं ये जब चल रहा था तो मैं उधर था, एक बहुत बड़ी बात उनको मिली और वो देखते रहते हैं। तो ये मैथ्स का खोलने जाने का ये बहुत बड़ा हमें फायदा मिला। बिल्कुल मजेदार है ये बात तो। और आपके यूट्यूब चैनल के बारे में, अभी आपके पास 6 लाख व्यूज है, तो कितने लोग आपके चैनल से उनको कितनी मदद हो रही है? आपको अभी यूट्यूब चैनल के साथ क्या नेक्स्ट प्लान है? आपको क्या उसका आप सोचते हैं कि अभी इतना आपने कर लिया, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो हमने किया था वो 600 पे था, अभी हम जैसे जैसे जो कोरोना पैंडेमिक था तो टाइम बहुत था, उस टाइम हमने 6 और 7 स्टैंडर्ड के लेसन के बनाए, अभी थोड़ा हमारा वर्क जोरों से शुरू हो गया तो उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम सोचते हैं 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड के जो मैथ्स है उसके टेक्स्ट बुक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश हुआ है उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और बेसिक जो है जैसे कि गणित में कुछ नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उसके हिसाब से अगर उसके पीछे भी कोई स्टोरी रहती है, दुनिया में कोई कौन सा भी नियम ऐसा नहीं बनता, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहती है, तो स्टोरी स्टूडेंट को पता है। जैसे कि ट्रायंगल का जो सूत्र रहता है वो क्या रहता है कि 1/2 लेंथ इंटू हाइट उनका जो ये रहता है, तो 1/2 क्यों लिया, ऐसे हमने कुछ स्टूडेंट को पूछा, तो बहुत से लोगों ने नहीं पता कि 1/2 क्यों लिया, हमें पता नहीं, लेकिन जब हमने इसके पीछे की स्टोरी स्कूल को बताई तो वो समझ में आया कि ये कैसे बन गए। तो ऐसे जो है कि पाई की कीमत 22.7 रहते हैं, तो वो 22.7 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 3.14 वो उसकी जो कीमत लेते हैं वो क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है, ऐसे स्टोरी उनको बताना स्टार्ट किया, तो वो इंटरेस्टिंग था, वो तो टेक्स्ट बुक में नहीं था। ऐसे 1 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड के लिए जो हमारे सामने के बच्चे उनको क्या क्या कठिनाई आ सकती है, कौन से नियम उनको बताना चाहिए, इसके बारे में अभी हम सर्च कर रहे हैं और उनके छोटे छोटे वीडियो बना के अभी हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। और ये सब QR कोड के पीछे जाने का मकसद यही था कि ना तो उनको वेबसाइट का नाम याद रखना है, ना हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रखना है, ना वो जाके कहीं गूगल पे सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करने का है, कुछ करने का नहीं है। हमने उस लिंक का एक QR कोड बनाया और वो उसके किताब में पेस्ट कर दिया है, तो जब भी कभी उसे जो चाहिए वो खाली स्कैन करे और देखते रहे। तो QR कोड जाने का मकसद यही था और इसका बहुत हमें फायदा हो रहा है। अभी हमारे स्टूडेंट्स लगातार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उसमें कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, आपका ये जो आइडिया है ये इतना सक्सेसफुल हुआ है इसलिए हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं, और कंग्रेचुलेशंस आपकी ये सारी सक्सेस की ओर। और हमारे जो भी व्यूअर्स है उनका आपका यूट्यूब चैनल हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डाल देंगे ताकि वो भी आपसे सीख पाए, अगर उनके पास भी कोई बच्चे को तो वो बच्चे भी सीख पाए आपकी तरह से। और थैंक यू सो मच यहाँ पर आ जाने को, और बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के साथ और आपके टीचिंग के साथ। मैं भी आप सभी को नमस्कार करता हूँ, मेरा इस अवार्ड के लिए चुना जाने के लिए मैं आप बहुत खुश हूँ, और मैं आप सभी टीम लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।